25 से 30,000 में आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे, जीनत 25,000 में हमारे घर के खर्चे नहीं निकलते और आप वेल्थ क्रिएट करने की बात कर रही हैं। But what if I tell you कि it's possible? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट जीनत कपाड़िया एंड वेलकम टू आवर शो इन्वेस्टिंग 101, जहां हर हफ्ते हम इन्वेस्टमेंट की दुनिया से जुड़े बातें करते हैं और नए नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो आज के एपिसोड में हम सीखेंगे कि 25 से 30,000 की सैलरी में आप इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू कर सकते हैं और आपके लिए अच्छे ऑप्शंस क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। चलो आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है दो दोस्तों की, एक का नाम था आदित्य और एक का नाम था प्रणव। दोनों ने सेम वक्त पर सेम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और दोनों ने सेम कंपनी सेम रोल पर ज्वाइन भी किया, ऑफ कोर्स ऑन सेम सैलरी 25,000। यू नो, दोनों की दोस्ती में बस एक कमी थी, दोनों अपने फाइनेंसेस एक दूसरे के साथ डिस्कस ही नहीं करते थे। एनीवे, आदित्य ने 20 साल की उम्र से हजार रुपए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था म्यूचुअल फंड्स में, जहां उसको ऑन एन एवरेज 8% रिटर्न मिल जाता था। नॉट अ लॉट, बस हजार रुपए, क्योंकि ऑब्वियसली हम पर जिम्मेदारियां भी होती है, घर के खर्चे होते हैं, फ्यूल के खर्चे होते हैं। बट प्रणव ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसे जो भी पैसे मिलते थे या तो वो गैजेट्स में या तो कपड़ों में उड़ा देता था, क्योंकि उसे लगता था कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो बहुत बड़ी रकम की जरूरत होगी, 25,000 तो बहुत कम है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एनीवे, धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और दोनों 30 साल के हो गए और तब प्रणव को लगा कि अब मुझे इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए। एंड तब उसने आदित्य से बात की, तब उसे पता चला कि आदित्य तो ऑलरेडी हजार रुपए इन्वेस्ट कर रहा है 20 साल की उम्र से और आज उसके पास 10 सालों में 1,80,000 से भी ज्यादा पैसे उसने जोड़ लिए हैं। दोस्तों, हजार रुपया सुनने में बहुत छोटा लगता है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड बिकॉज ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये छोटा सा अमाउंट धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सैलरी क्रेडिट होने से पहले ही डेबिट हो जाती है, तो इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? सो लेट्स डिग राइट इनटू इट। सबसे पहले आपको इनकम के हिसाब से अपनी बजटिंग करनी है। यूजुअली बजटिंग का जो रूल होता है वो होता है 50-30-20, यानी कि 50% जो आपका इनकम होता है वो आपकी नीड्स की तरफ जाता है, यानी कि चीजें जो बहुत जरूरी है, जैसे कि घर के रेंट, ग्रोसरीज, फ्यूल एक्सेट्रा। 30% ऑफ योर इनकम जाता है आपकी वॉन्ट्स की तरफ, यानी कि कुछ चीजें जो जरूरी नहीं है बट वंस इन अ व्हाइल आप कर सकते हैं, जैसे कि शॉपिंग, वॉचिंग मूवीज। एंड रही 20%, दैट इज फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर आपकी सैलरी 35,000 है तो आपके जो फिक्स्ड नेसेसरी खर्चे हैं दैट शुड नॉट एक्सीड 17,500 और अपने वॉन्ट्स के लिए आप करीब 10,500 खर्च कर सकते हैं एंड बचे 7,000 इज फॉर योर इन्वेस्टमेंट। बट याद रखिए, आपके जो वॉन्ट्स का ब्रैकेट है ना, उसमें से जितना हो सके आप पैसे बचाइए और उसे डाइवर्ट कीजिए इन्वेस्टमेंट में। कोशिश कीजिए कि अराउंड 10,000 कम से कम आप इन्वेस्ट कर सके। अब 10,000 सुनने में छोटा अमाउंट लगता है, पर चलिए समझते हैं कि 10,000 आने वाले टाइम में कैसे बढ़ता है। और लेट्स अज्यूम कि आपकी एज है 30 इयर्स, यानी कि आपकी रिटायरमेंट एज हुई 60 इयर्स, और ये कैसी एज होती है जहां पे आपको वेल्थ कॉर्पस चाहिए होता है सो दैट आप अपना ओल्ड एज एंजॉय कर सके। लेट्स पुट दिस इन एसआईपी कैलकुलेटर। अगर आपकी एज 30 इयर्स है और आप हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और अज्यूमिंग 12% रिटर्न, तो आपके पास 30 इयर्स में 3.5 करोड़ रुपए होते हैं। इज़न्ट दैट एन अमेजिंग नंबर? पर चलिए जानते हैं कि ऐसे रिटर्न्स पाने के लिए इन्वेस्ट कैसे करते हैं। ऑप्शन वन, सबसे पहले आपको हर महीने सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो अगर आप एसआईपी के थ्रू छोटा छोटा अमाउंट भी इन्वेस्ट करते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप अपने लिए अच्छा खासा कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं।
जस्ट लाइक आदित्य फ्रॉम आवर स्टोरी। बट म्यूचुअल फंड्स होते क्या है, चलिए जानते हैं। सोचो आपको और आपके दोस्तों को ना क्रिकेट खेलना है, बट क्रिकेट किट बहुत महंगी आती है। तो आप लोग आपस में डिसाइड करते हो कि हम मिलकर थोड़े थोड़े पैसे डालेंगे और एक क्रिकेट किट खरीदेंगे। इससे हर कोई क्रिकेट खेल पाएगा और किसी एक को पूरे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो म्यूचुअल फंड भी ना बिल्कुल ऐसा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग अपना पैसा जमा करते हैं और एक प्रोफेशनल मैनेजर होता है जो आपके पैसों को आगे इन्वेस्ट करता है, बॉन्ड्स में, शेयर्स में या अन्य एसेट्स में। इससे जो लोग पैसे जमा कर रहे हैं उन्हें अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स का हिस्सा मिल जाता है और उन्हें अलग अलग जगह इन्वेस्ट भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक अच्छा तरीका हो सकता है पैसे इन्वेस्ट करने का, क्योंकि इसमें डाइवर्सिफिकेशन होती है एंड ऑब्वियसली रिस्क कम होता है, क्योंकि पैसे अलग अलग जगह इन्वेस्ट होते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज आपको अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स पर रिसर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से रिस्क एनालाइज करके अपने लिए सही म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं, जैसे कि इक्विटी फंड्स, हाई रिस्क हाई रिटर्न, डेट फंड्स, लो रिस्क लो रिटर्न, हाइब्रिड फंड जो इक्विटी और डेट का मिक्सचर होता है, यानी कि मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न। अगर आप 30s में हैं, तो अपनी सेविंग्स का 40% आप म्यूचुअल फंड्स या तो फिर सेफ इंस्ट्रूमेंट लाइक गोल्ड उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि 3,000 से 4,000 रुपए आप म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं एंड बाकी सेफ इंस्ट्रूमेंट लाइक गोल्ड उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो हाउ डू यू गो अबाउट इट? ट्रस्ट मी, इट्स वेरी सिंपल। ऑल यू नीड टू डू इज किसी ट्रेडिंग ऐप के थ्रू आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है और थोड़ा रिसर्च करके अपने हिसाब से आप म्यूचुअल फंड चुनके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम म्यूचुअल फंड्स पर भी डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, बट प्लीज नोट कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट होना जरूरी नहीं है, आप उसके बिना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑप्शन 2, स्टॉक्स। अगर आप यंग हैं और आपके कंधों पर ज्यादा जिम्मेदारी भी नहीं है और आपको इमीडिएट रिटर्न्स भी नहीं चाहिए, then you should choose to invest in stocks for a longer period of time. या तो फिर अगर आपके पास लमसम है, यानी कि 1 या 2 लाख रुपए, तो आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपको रेगुलर इनकम देगा, क्वार्टरली और एनुअली। इनफैक्ट हमने डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स पे ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, अगर आपने उसको नहीं देखा then there is a link below at the description, just click it and have a look. In fact, हम स्टॉक मार्केट पे भी एक डिटेल्ड वीडियो जल्द ही बनाएंगे। And if you don't want to miss it, then don't forget to subscribe our channel. Meanwhile, in your monthly plan, 60% of your savings should be allocated towards stocks. यानी कि 6,000 आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये तो सारी बातें हो गई इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। But you know what? It's all pointless. अगर आपने खुद को एक्सीडेंटल खर्चों से सेफगार्ड नहीं करके रखा है। ऑप्शन 3, अगर आप पर फाइनेंशियल डिपेंडेंस है, जैसे कि आपके स्पाउस, चिल्ड्रन या पेरेंट्स, तो आपको एक अच्छे टर्म इंश्योरेंस में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर किसी अनफॉर्चुनेट केस में आपको कुछ होता है, तो टर्म इंश्योरेंस आपकी फैमिली को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। तो आप ऑनलाइन जाकर टर्म इंश्योरेंस के बारे में रिसर्च कर सकते हैं और एक रॉ कैलकुलेशन बना के आप अपने इनकम का 10-12 टाइम्स सिक्योरिटी देने वाला एक टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। ऑप्शन 4, हेल्थ केयर इंश्योरेंस। मैटर ऑफ फैक्ट, हेल्थ केयर इज एक्सपेंसिव और यू नो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी फैमिली में हेल्थ केयर एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं एंड एनी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट या एनी इमरजेंसी कैन एग्जॉस्ट यू फाइनेंशियली एज वेल एज इमोशनली। इसीलिए आपको अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए एक हेल्थ केयर लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके इतनी सालों की मेहनत, इतने सालों की सेविंग्स, आपकी एक गलती की वजह से एक झटके में आपका बनाया हुआ सारा वेल्थ खत्म कर सकती है। और इतना सब सीखने के बाद अब बारी आती है टास्क ऑफ द वीक की। तो आपको मुझे बताना है अपनी इन्वेस्टिंग 101 चेकलिस्ट बनाकर कि आज जो भी हमने डिस्कस किया, जैसे कि इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टिंग ऑप्शंस, डेट, बजटिंग, और इन्हें एनालाइज करके आपको मुझे बताना है कि आपकी चेकलिस्ट में से कितनी चीजें टिक हुई और कितनी पेंडिंग है। डू कमेंट बिलो। और आज के एपिसोड से जुड़े आपके मन में कोई भी सुझाव है, कोई भी सवाल है, तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। और अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा
अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए. एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ इन्वेस्टिंग 101. टिल देन, कीप इन्वेस्टिंग. इन्वेस्टमेंट्स इन द सिक्योरिटी मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग.